हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वाला बंदा। तो गाइस एक और कस्टम रोम का रिव्यू लेकर आ चुका हूँ रेडमी 3 प्रो के लिए। और गाइस इस बार मैं ऐसी रोम का रिव्यू कर रहा हूँ जो कि बहुत वक्त बाद मैंने किसी फ़ोन पर इंस्टॉल की है। तो गाइस ये जो रोम है इसका नाम है मोकी। और गाइस ये जो रोम है एक वक्त में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। अगर किसी को मालूम नहीं हो तो मेरे पास एक डिवाइस था गाइस जिसका नाम था माइक्रोमैक्स निंजा 3A57। और गाइस वो जिंजरबेड 2.3 पर रन करता था। उस पर मैंने इंस्टॉल की थी मोकी। मुझे याद भी नहीं उसका कौन सा वर्जन था, पर वो जिंजरबेड 2.3.7 कुछ था, उस पर करता था। और गाइस अब काफ़ी सालों बाद ये रोम मैंने इंस्टॉल की है रियलमी 3 प्रो पर। और हाँ, काफ़ी लेट है गाइस, एंड्रॉयड 10 है और काफ़ी ज़्यादा लेट रियलमी 3 प्रो पर आई है। मेंटेनर की बात करें तो गाइस सुप्रतिम दे आपको नए मेंटेनर देखने के लिए मिल जाते हैं। और बाकी फ्लैशिंग गाइड वगैरह आपको देखनी है तो यहाँ पर लिखी है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। डाउनलोड लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल हम चलते गाइस वापस से सेटिंग्स के अंदर। मोकी ओएस वर्जन MK100.0। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 5 नवंबर 2020 का देखने के लिए मिल रहा है। वेंडर 5 सितंबर 2020 का देखने के लिए मिल रहा है। सिस्टम अपडेट की बात करें तो 10 है। कर्नल की बात कर ले 4.9.237 पर प्लस कर्नल आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रोम की। और गाइस हालांकि ये रोम बहुत ज़्यादा लेट है, एंड्रॉयड 11 की रोम्स की बारिश होना शुरू हो गई है, पर अभी भी यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 रोम देखने के लिए मिल जाती है मोकी। और ऊपर से गाइस एंड्रॉयड 10 होने के बाद इसमें आपको कस्टमाइजेशन देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो जितना भी कस्टमाइजेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल हम बात करते हैं गाइस नेटवर्क एंड इंटरनेट की। नेटवर्क एंड इंटरनेट में गाइस काफ़ी कुछ सब कुछ वर्किंग मिल जाता है आपको। एक्चुअली वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, 4G वोल्टी कॉलिंग मैंने चेक कर रखी है, वीडियो कॉलिंग मैंने चेक कर रखी है, हॉटस्पॉट ब्लूटूथ वाईफाई मैंने चेक कर रखा है, सब कुछ वर्किंग है। और गाइस बैटरी की पहले हम बात कर लेते हैं आज। तो बैटरी यार मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट 20 घंटे से फ़ोन को चार्ज नहीं किया है और स्क्रीन ऑन यूजेज भी 8 घंटे की हो चुकी है, लगभग 9 घंटे होने वाले हैं गाइस 18 मिनट में। और मैं आपको यहाँ पर एक्टिव ड्रेन वगैरह दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि 9% बैटरी लेफ्ट है, एक्टिव ड्रेन 8.20% पर आर का है जो कि ठीक ठाक है गाइस। और आइडल ड्रेन भी गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.80 गाइस ठीक ठाक एक आइडल ड्रेन होता है। पर गाइस यहाँ पर मैं यूजेज की बात करूँगा तो मैं फ़ोन को दिन भर से यूज़ कर रहा हूँ लगभग। और यहाँ पर हम चलते हैं बैटरी यूजेज के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम पर मैं दिन भर से लगा हुआ था और यहाँ पर स्क्रीन अब 8 hours 43 minutes हो गया है, इंस्टाग्राम 2 hours 27 minutes हो गया है। और ये स्पीक इंग्लिश नहीं भाई, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था। यहाँ पर एक मतलब ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पर फॉरेन कंट्री से कॉल वगैरह कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके मज़े लेने में मज़ा आता है। बाकी यहाँ पर गूगल प्ले सर्विसेज 5 hours 54 minutes रनिंग है, प्लस मैसेंजर 38 minutes, क्रोम 18 minutes और फ़ोन आइडल गाइस 19 hours 52 minutes से है। पेटीएम और यूट्यूब गाइस आप देख सकते हैं कि 5 घंटे तक तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब की ब्राउजिंग की है। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेला हुआ रेस और गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर बैटरी ले रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अबव एवरेज यूजर है और उसके बाद भी जो बैटरी परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी बेहतरीन लगी। और गाइस अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो यस, सबसे पहले आपको डार्क थीम देखने के लिए मिलता है और डार्क थीम वर्किंग है, 100% डार्क नहीं है गाइस, थोड़ा सा ग्रे और थोड़ी सी डार्क ब्लू फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है और इसका कोई कस्टम डार्क अवेलेबल नहीं है। नाइट लाइट आपको वर्किंग मिल जाती है, एडेप्टिव ब्राइटनेस वर्किंग है। लाइव डिस्प्ले के अंदर गाइस हम जाते हैं तो आप कलर को कैलिब्रेट कर सकते हो और हाँ, ये आपको वर्किंग मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर आपको स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ज़्यादा नहीं है गाइस, 4-4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर कलर्स की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, पर ठीक ठाक है। ठीक है, अब हम चलते वापस से यहाँ पर गाइस और हम बात कर लेते हैं क्लॉक स्टाइल्स की। तो जो लॉक स्क्रीन की क्लॉक है यहाँ पर आपको 3 ही देखने के लिए मिलती है, ज़्यादा नहीं है। ग्रिड्स की बात कर ले तो ग्रिड आप जो है सेट कर सकते हो लॉन्चर लेआउट के लिए। वॉलपेपर्स की बात कर ले गाइस तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है मिनिमल वॉलपेपर है और देखने में ऐसे अच्छा लगता है, मतलब प्रीमियम से फील आती है, हालांकि बिल्कुल ब्लैंक है पर अच्छा लगता है देखने में। बाकी लिनेजर्स वाले जो सारे वॉलपेपर्स वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रोटेशन सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है गाइस डिग्री वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटेशन मोड्स में 0, 90, 180 और 270 degrees का रोटेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से डिवाइस को रोटेट कर सकते हो। कलर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, नेचुरल बूस्टेड सैचुरेटेड है और फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज आप चेंज कर सकते हो। लॉक स्क्रीन डिस्प्ले की अगर हम यहाँ पर बात कर ले गाइस तो यहाँ पर आप सेंसिटिव कंटेंट को हाइड कर सकते हो। यहाँ पर आप मीडिया कवर आर्ट वगैरह इनेबल कर सकते हो, विजुअलाइजर वगैरह, ट्रांसलूसेंट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले गाइस आपको इस पर वर्किंग मिलने वाला है, तो ये वर्किंग है, इसको हम बंद कर देंगे और न्यू नोटिफिकेशन पर जो स्क्रीन है वो वेक हो जाती है, अच्छे से वर्किंग है। डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू वेक हम चेक कर लेते हैं। तो डबल टैप यहाँ पर स्टेटस बार पर करते हैं तो स्लीप हो जाता है, डबल टैप अगर हम लॉक स्क्रीन पर करते हैं तो यहाँ पर वेक भी हो जाता है, तो दोनों ही आपको वर्किंग मिल जाता है। वेक अप ऑन प्लग भी आपको वर्किंग मिल जाता है। साउंड की बात कर ले गाइस तो साउंड में सब कुछ ही वर्किंग है, आप वाइब्रेशन वगैरह फॉर कॉल से इनेबल कर सकते हो। और गाइस इसकी जो नोटिफिकेशन रिंगटोन्स और जो कॉल यानी फ़ोन रिंगटोन्स है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेंगी मोस्ट ऑफ द रूम्स में, सारी में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है गाइस बिग टाइम एडवेंचर वगैरह होता है गूगल का, पर इसमें आपको थोड़ी बेहतरीन वाली नोटिफिकेशन और रिंगटोन्स देखने के लिए मिलेगी जो कि मुझे तो पसंद आए। बाकी आप कस्टम चार्जिंग साउंड्स वगैरह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो
और वाइब्रेट वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। टच वाइब्रेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि हैप्टिक फीडबैक। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं तो कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ फिंगरप्रिंट है और आपका जो नॉर्मल सा स्क्रीन लॉक होता है। और इसका जो फिंगरप्रिंट है गाइस, कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा, थोड़ा सा लेट रहता है और कभी कभी देख सकते हैं गाइस इनएक्यूरेट रहता है। तो ये गाइस दो में से एक बार काम करता है, ये देख सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये दो में से एक बार काम करता है, यानी कि आपको 2-3 सेकंड रुकना पड़ेगा एक बार अनलॉक करने के लिए। और गाइस यहाँ पर आपको देखने के मिल जाता है डिजिटल वेलबींग, अगर आप जो है करेक्ट वाला गूगल ऐप पैकेज फ्लैश करते हो तो। मैंने तो इस पर जो है बिट गैप्स का बेसिक वर्जन फ्लैश कर रखा है, जिसमें मुझे YT वैंस भी देखने के लिए मिल गया है। रियलमी सेटिंग की अगर हम बात कर लेते गाइस, तो गेम मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है और FPS ओवरले आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपको पता ही होगा कि क्या काम है इनका। सिस्टम में चलते गए तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्टेटस बार के साथ कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही कम है। बटन्स की बात कर लेते हैं तो इन्वर्ट लेआउट आप कर सकते हो 3 बटन का, एरो कीज वाइल टाइपिंग और लॉन्ग प्रेस जेस्चर्स वगैरह आप इनेबल कर सकते हो। पावर मेन्यू की बात कर ले तो एडवांस रिस्टार्ट भी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, जो कि थोड़ी सी बुरी बात है। और गाइज वेक डिवाइस विद वॉल्यूम बटन्स आप कर सकते हो, आंसर कॉल विद वॉल्यूम बटन्स, रीओरिएंट वॉल्यूम बटन्स और पार्शियल स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। हाँ एक बात अच्छी है कि जो हमारा वॉल्यूम पैनल है उसको आप लेफ्ट राइट कर सकते हो। स्टेटस बार में देख लेते हैं कि क्या है, तो क्विक पुल डाउन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमें बहुत पहले देखने के लिए मिल जाता था बिल्कुल मिनिमल रूम्स के अंदर। और क्विक सेटिंग टाइल्स कॉलम यहाँ पर आप सेट कर सकते हो, रोज़ की आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि सिर्फ कॉलम्स आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, रोज़ का कोई ऑप्शन नहीं है। नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड मिल जाता है और ये अच्छे से वर्किंग है। सिस्टम आइकन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जितने आइकन्स आप देख रहे हो सब इनेबल और डिसेबल आप कर सकते हो। और गाइस क्लॉक की पोजीशन लेफ्ट राइट सेंटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सेकंड्स आप इनेबल कर सकते हो, डेट इनेबल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। बैटरी स्टाइल की बात कर ले तो सर्कल टेक्स्ट और आइकन पोर्ट्रेट ही आपको देखने के लिए मिलता है। बैटरी परसेंटेज आप इनेबल कर सकते हो इनसाइड द आइकन या फिर आउटसाइड द आइकन या फिर नेक्स्ट टू द आइकन आप जैसे बोलते हो। ब्राइटनेस लैडर की बात कर ले तो आप इसको टॉप या फिर बॉटम नहीं कर सकते, पर शो व्हेन एक्सपेंडेड शो ऑलवेज या फिर नेवर शो पर आप सेट कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस यहाँ पर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ये जो टॉगल है ऑटो ब्राइटनेस आइकन का वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। और गाइस ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ पर आपको स्टेटस बार पर स्वाइप करके देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी आपको वर्किंग मिल जाता है। जेस्चर्स में देख लेते हैं, जेस्चर्स में आपको जंप टू कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और 2 बटन 3 बटन और जेस्चर नेविगेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप सेंसिटिविटी भी सेट कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैंने बाकी सब कुछ देख लिया है, मुकी सेंटर में आपको कुछ भी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि एक अनऑफिशियल रूम है। और हाँ यहाँ पर आपको एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो पिछली बार ये शायद एंशियंट रूम में होता, जो एंशियंट हब या फिर एंशियंट फीचर्स वगैरह का एक एप्लीकेशन अलग से दे रखते थे, वो उसमें एड्स आते थे। हाँ गाइस इसमें आपको एक ऐप देखने के लिए मिल जाती है वार्प शेयर, तो ये शायद कुछ नियर बाय शेयर या फिर रेंडर शेयर की तरह कुछ एप्लीकेशन होगी जो सिर्फ इसी ऐप के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। तो मैंने ऐसे चेक नहीं कर रखा है कितना अच्छा काम करती है, पता नहीं। और कहीं से यहाँ पर आपको जो आइकन्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं सारी रूम्स से, ये आइकन्स आपने मतलब किसी और रूम्स में नहीं देखे होंगे। और कहीं से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है ईजिस, तो ईजिस गाइस कुछ कुछ ग्रीनिफाई की तरह काम करता है, अगर आपने ग्रीनिफाई यूज़ कर रखा है इससे आप बैटरी पर और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, आपकी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में हाइबरनेट या फिर डिसेबल कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है ऑडियो इफेक्ट्स, तो ऑडियो इफेक्ट्स मैंने चेक किया होगा इस ईयरफोन में, इसके इफेक्ट्स काम नहीं करते हैं। अब पता नहीं क्यों काम नहीं करते, मैं इनेबल कर चुका हूं, पर ये काम नहीं कर रहे थे। मैंने सारे इफेक्ट्स ट्राई किए, कुछ भी वर्किंग नहीं था। बाकी यार ब्लोटवेयर में आपको कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलता, सिर्फ यहाँ पर एक मुकी एप्लीकेशन है जिसमें एड्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ भी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला, सिर्फ डोनेशन का एक ऑप्शन है। और ये देखो ऐड ओपन हो चुका है। ओके इसे हम बंद कर देते हैं। हाँ गाइस यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर की अगर हम बात कर ले तो आपको देखने के लिए मिल जाता है जो लिनोवो का बहुत पुराना वाला स्क्रीन रिकॉर्डर है, जिसमें इंटरनल ऑडियो का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, सिर्फ माइक्रोफोन ऑडियो का ऑप्शन है। बाकी एक साउंड रिकॉर्डर भी इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस ये वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसका कोई क्विक सेटिंग टाइल भी नहीं होता, तो इसको इनेबल करने के लिए आपको ऐप के अंदर ही आना होगा, तो ये एक थोड़ी सी बुरी बात है। बाकी अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है तो थर्ड पार्टी ऐप्स आप ट्राई कर सकते हो। हाँ टाइल्स की बात हमने नहीं की होगी शायद, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइल्स अवेलेबल हैं यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। बात कर लेते हैं इस कैमरा की, तो यहाँ पर जो मोकी का स्नैप कैमरा है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिस पर आप फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी गूगल कैमरा जो है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल कैमरा 8 इंस्टॉल कर रखा है, तो ये भी आपको वर्किंग मिल जाता है गाइस। और इस पर भी आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, पर स्लो मोशन आपको वर्किंग नहीं मिलने वाला है, जैसे कि हर रूम में नहीं मिलता है। तो गाइस ये तो हो गई अब इसकी एप्लीकेशंस और जो फीचर्स हैं या फिर जो कस्टमाइजेशन थोड़ा बहुत है उसकी बातें। अब बात करते हैं इसकी फील मुझे कैसी आ रही है इस रूम को यूज़ करके। तो यार देखो
ये रूम जो है काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग्स वगैरह तो आपको यूआई में वगैरह में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर आप मूकी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो, बैटरी इस वाली रूम में अच्छी है। गेमिंग की बात हमने नहीं की है तो चलो यार गेम ट्राई कर लेते हैं, मैंने गेम अभी तक ट्राई नहीं करे। तो यहाँ पर हमारा गेम शुरू हो चुका है और यहाँ पर मैंने इनेबल कर लिया है FPS मीटर और जो गेमिंग मोड होता है रियलमी सेटिंग्स का वो मैंने इनेबल कर लिया है। ग्राफिक मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा जो हम नॉर्मल ग्राफिक्स पर खेलते हैं, हाई ग्राफिक क्वालिटी और मैक्स FPS, रैगडॉल इनेबल, डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल। चलो अब हम खेलते हैं थोड़ा सा, और यार बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है मुझे पता नहीं क्यों, पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट। ठीक है, इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है, सेंसिटिविटी ऐसा लग रहा है कि अपने आप बढ़ गई है और ग्राफिक्स यार काफ़ी बढ़ गया नज़र आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन वगैरह है काफ़ी मस्त लग रहा है। बहुत कम रूम्स में ऐसा होता है कि जो ग्राफिक्स है बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। मस्त मस्त चल रहा है यार गेम, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है इस पर, मतलब देखा जाए तो लैग्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आ गया कि इस रूम को रिलीज़ करके जो डेवलपर या मेंटेनर है रिस्क क्यों उठाया भाई ने, क्योंकि यार इस रूम में परफॉर्मेंस और बैटरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। कस्टमाइजेशन वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन है और बैटरी आप देख ही चुके हो कि मैं इसको पिछले एक दिन से यूज़ कर रहा हूँ बिना चार्ज किए हुए, लगभग 21 आवर्स होने वाले हैं मैंने फ़ोन को चार्ज नहीं किया है। और यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गेम खेलने में, लैग्स वगैरह आपको बिल्कुल सा भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, अब समझ गया कि मूकी हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, वो भी एंड्रॉयड 11 के ज़माने में। ठीक है, तो यार गाइस इतना खेलने के बाद तो मैं इस वाली रूम को जो हमारी गेमिंग रूम्स वाली लिस्ट होती है उसमें ऑफिशियल एंट्री मेरी तरफ से देना चाहूँगा, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रही है। नाइस, अब मेरे पास एमो वगैरह नहीं है, इसने मुझे मारा नहीं, क्या बात है भाई। और यार इसकी जो टच इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हैं इसको, मतलब इतना सा भी मुझे 1 सेकंड का भी लैग देखने के लिए नहीं मिल रहा है अभी गेम में, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैं अपनी तरफ से इस वाली रूम को गाइस जो हमारी गेमिंग रूम की लिस्ट है जिसमें कॉर्वस और नू संतरा पहले से ही टॉप लिस्ट में, इस वाली रूम को मैं उस लिस्ट में ऐड करना चाहूँगा। तो यार सच में गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिल्कुल भी लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा था, और मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन गेमिंग। इस वाली रूम को मैं अपनी तरफ से ऑफिशियल एंट्री दूंगा गेमिंग रूम्स की लिस्ट में। और बाकी यार बैटरी तो है ही इसकी बेहतरीन, और सबसे बेहतरीन बात इसका जो बूट एनिमेशन है वो बिल्कुल दिल को छू जाता है। तो यार इतना ही था इस वाली वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, और फिर कमेंट में बताओ कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए। और यार टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जाकर ज्वाइन कर लो, वहीं पर आपको सारी हेल्प देखने के लिए मिलती है। और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करो, मतलब हर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स तो होना चाहिए ना। और हाँ यार जो इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं वो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मैसेज ना करके टेलीग्राम पर मैसेज करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैसेज करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और टेलीग्राम पर मैं आसानी से सबको रिप्लाई देता हूँ, और अगर मैं नहीं होता तब भी काफ़ी सारे लोग हेल्प करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और हाँ इंस्टाग्राम भी फॉलो कर ही लेना। बाकी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लो। चलो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।